खास है इस फिल्म में, फिल्मोग्राफी करती हैं? मूवी मेरे लिए तो बहुत खास है एंड सबको हेलो, क्योंकि इसमें मैं सिंगर तो बेसिकली मैं हूँ नहीं, बट इस मूवी में मैं सिंगर का रोल प्ले कर रही हूँ, सो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। और जो दो दो फिल्म की फिल्में होती हैं अमरपाली जी हैं, तो कितना कंपटीशन रहता है? नहीं एक्चुअली इसमें अमरपाली जी नहीं है, शुभी जी है। शुभी जी, सॉरी। यस, सो बहुत मज़ा आता है शुभी जी के साथ काम करके एंड हमारी ये ट्यूनिंग बहुत अच्छी है एंड हम बहुत फन करते हैं सेट पे। शूटिंग हमने लखनऊ में की है और बहुत ही अच्छा अनुभव रहा और लखनऊ बहुत ही अच्छी सिटी है एंड लोकेशंस बहुत प्यारे हैं वहाँ पे, सो वी एंजॉयड। आज के दौर में प्रियंका चोपड़ा इसे नेक्स्ट टाइम प्रोड्यूस करनी फिल्म को कितनी बड़ी बात है, क्या क्या करते हैं, इस तरह काफ़ी ऊपर उठा है? देखिए सबसे बड़ी कि किसी के आने से कोई स्तर ऊंचा नहीं होता है, हमें बनाना क्या है उसमें हमें कोई भी आदमी हो जो भी प्रोड्यूसर हो, प्रियंका जी एक अद्भुत एक्ट्रेस हैं और इस वर्ल्ड की फेमस से एक्ट्रेस हैं और उनकी माँ ने जो बीड़ा उठाया है और उनके बैनर से जो भी फिल्में आती है अच्छी बनती है फिल्में, क्योंकि फिल्में खर्चे से नहीं बनती है, हमारा स्क्रिप्ट होता है, अगर स्क्रिप्ट अच्छा है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हम उसको अमेरिका में जाकर शूट करें तो भी अच्छी होगी, जी नहीं। कॉन्सेप्ट क्या है, अगर अमेरिका कॉन्सेप्ट है तो अमेरिका ही जाना चाहिए इंसान को, और कॉन्सेप्ट खूबसूरत होनी चाहिए, लेविल शूट करने से चीज़ें अच्छी नहीं होती है, हम शूट क्या कर रहे हैं उस पर निर्भर करता है, ज़मीन तो कुछ भी होती है, उस ज़मीन पर एक लैट्रिन का डब्बा भी रखा जाता है, उसी ज़मीन पर एक मंदिर भी बनता है और उसी ज़मीन पर एक मॉल भी बनता है, तो बनाने वाले की खूबी है कि बनाने वाला चाहता क्या है उसके दिमाग में चल क्या रहा है, तो किसी के आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस फ़र्क पड़ता है जो हमें बनाना कितनी अच्छी चीज़ है, हमारे भोजपुरी हमारी मिट्टी को। और जहाँ तक प्रियंका जी का सवाल है तो प्रियंका जी तो खुद ही एक अद्भुत एक्ट्रेस हैं और उनकी माँ ने इतना अच्छा काम कर रही हैं, वो तो मैं शुक्रगुजार हूँ उनका जी, हमारे भोजपुरी भाषा के लिए उन्होंने इतना अच्छा काम किया। और मैं चाहूँगा कि अब मेरे फिल्म के बारे में कुछ पूछा करो यार। रोल के बारे में बताइए सर, रोल के बारे में बताइए, बताइए कि कैसा है अनुभव काम करने का। ये अनुभव देखिए सबसे बड़ी कि ये समीम भाई हमारे भाई भी हैं और हम भाई की तरह उस फिल्म में काम किए और एक दोस्त की तरह, एक मित्र की तरह, एक बिलविसर की तरह। और हमारे जो असीम भाई हैं, हम दोनों के इनके छोटे भाई हैं, मेरे बड़े भाई हैं, तो उन्होंने एक जो एक भाई का प्यार होता है, उन्होंने मेरे पूरे शूटिंग दरमियान एक भाई की तरह इन्होंने ट्रीट किया, हर चीज़ का ख्याल रखा। और ये फिल्म जो बनी है हम दोनों उसमें भूमिका में हैं, हमारे याज खान जी हैं, ये भी इंसान है याज खान जी हैं, काजल रघवानी जी हैं, सुबी शर्मा जी हैं, हमारे गार्जियन स्वरूप नागेश मिश्रा जी, जो कि हमें लीगली कहीं फंसते हैं तो हमें लीगली निकालते भी हैं ये और लीगली एक केस हुआ था मेरे पे तो अभी यही निकाले हैं, लीगल इंसान भी हैं, लीगल नहीं है। तो ये एक अद्भुत फिल्म है, एक सिंगर की कहानी है कि हमारे हम सिंगरों के और हम एक्टरों की एक जो जीवन होती है वो हमारी नहीं होती है, और हम कहीं प्यार कर लेते हैं और पूरी पब्लिक के दिल को ठेस पहुंचा देते हैं और कहीं ना कहीं हम इन्वॉल्व हो जाते हैं और उनकी चिंता नहीं करते हैं। तो एक सिंगर की कहानी है कि सच में एक सिंगर और एक एक्टर की कोई ज़िंदगी नहीं होती, वो दुनिया की ज़िंदगी होती है, वो अपने लिए आज तक ना जिया है और ना ही शायद जिएगा। तो हर जो आज के जो लड़के हैं, जो उम्दा कलाकार हैं, वो जो आ रहे हैं, जिनको लगता है कि मैं हीरो बनूंगा, तो भाई हीरो तो हर आदमी बन जाएगा, लेकिन वो जो जीवन हम अपने माँ के गोद में बिताए हैं, अपने दोस्तों के साथ, अपने गाँव में, अपने खेती खलिहान में जो बिताए हैं, शायद वो जीवन यहाँ नहीं मिल पाती है, हमें दूसरे के लिए जीना पड़ता है, अपने लिए अपनी ज़िंदगी कुछ नहीं होती। हम करोड़ों रुपये कमा तो ज़रूर लेते हैं लेकिन उस करोड़ों रुपये का कोई सुख नहीं कर पाते हैं, वो करोड़ों का सुख आपके फैमिली के लोग करते हैं, और कभी कभी बाढ़ उड़ो आ जाता है तो हम अपने लोगों के लिए कर दिया करते हैं। खेसारी जी, मोदी साहब का बर्थडे है, जन्मदिन है, खेसारी लाल शुभकामनाएं देना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, 17 सितंबर को उनका जन्मदिन है, तो इस देश के नहीं पूरे वर्ल्ड के वो फेमस आदमी हैं और हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि मोदी जी की इतनी लंबी उम्र है कि ऐसे ही हमारे इंडिया का नाम रोशन करे और हर मुद्दों को प्यार से सुलझा लिया करते हैं मोदी जी, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है कि लड़ाई झगड़े पे ज़्यादा उनका दिमाग नहीं रहता है, बस प्यार से उसको सुलझा देना है, ताकि प्यार की जो भाषा होती है एक जानवर तक समझता है, तो चाहे वो अपने देश का हो या कहीं देश का हो, तो इंसान क्यों नहीं समझेगा। तो प्यार से चीज़ों को सुलटा के और अपने देश को इतनी तरक्की तक ले गए और इतनी उम्दा जगह पर जहाँ पर हमारे देश का एक प्रधानमंत्री का सम्मान एक उस वहाँ के नागरिक लोग जब करते हैं तो खुशी होती है कि वो हमारा सम्मान है। तो कहीं ना कहीं हैप्पी बर्थडे टू यू हमारे मोदी, नहीं मैं मोदी को नेता नहीं मानता हूँ, मोदी जी को पिता की तरह मानता हूँ,
क्योंकि एक पिता ही है जो अपने बच्चों का ख्याल रख सकता है। तो कहीं ना कहीं मोदी जी एक पिता की तरह अपने देश की रक्षा कर रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि उनकी हजारों नहीं करोड़ों बरस उम्र हो, ताकि ऐसे ही हमारे जीवन को अच्छे से और अच्छी राह दिखाएं और अच्छे लोगों को रोजगार दें, और कभी कभी बाढ़ उड़ा जाए तो उसका ख्याल रखें। अपने जन्मदिन से पहले उन्होंने बड़ा तोहफा दिया है बुलेट ट्रेन, केसारी लाल कभी सफर करना चाहेंगे बुलेट ट्रेन से? मैं तो पहले ये चाहूँगा कि बुलेट ट्रेन ठीक है, अच्छी बात है, हमारे देश के लिए अच्छी बात है, लेकिन जो ट्रेन हादसा हो रहा है ना, पहले उस पर ज़्यादा केयर किया जाए तो अच्छा होगा, क्योंकि जो ट्रेन हादसा है, हमारे कहने का मतलब जो नॉर्मल ट्रेन है उसकी तो कोई सुरक्षा कर ही नहीं पा रहा है, तो बुलेट ट्रेन की क्या स्थिति होगी। तो मैं चाहूँगा कि जो अभी ट्रेन हादसा में आज लाखों लोगों की जान चली गई, लाखों घर बर्बाद हो गए, तो उस पर ज़्यादा विचार करना चाहिए, सबको करना चाहिए, देश की ये देश का काम है, ये हमारे मोदी जी का काम है, तो उस पर ज़्यादा उनको विचार करना चाहिए। बुलेट ट्रेन से हमें फ़ायदा होगा, ज़रूर होगा, लेकिन जो नॉर्मल इंसान है, जो गुजरात के लोगों को फ़ायदा होगा, बम्बे के लोगों को फ़ायदा होगा, अहमदाबाद के लोगों को फ़ायदा होगा, लेकिन हमारे बिहार यूपी और दिल्ली जाने वाले लोग जो हैं, वो जो जिस ट्रेन में जाते हैं उनका भी सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य है, और हमारे नेताओं जो भी नेता हमारे देश के हैं सबका कर्तव्य और दायित्व बनता है कि उनका रक्षा पहले करें। रहता है आप लोग में कोई कंपटीशन रहता है? किस तरह का कंपटीशन रहता है? कंपटीशन तो बिल्कुल नहीं रहता है, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ इतना सारा काम है, इतना काम है कि हम चाह के भी सब काम अकेले नहीं कर सकते, या खेसारी जी या पवन जी या रवि जी या मनोज भैया, बहुत सारा काम है, तो सबके हिस्से का यहाँ काम सबको मिल जाता है, तो किसी से किसी का कुछ ऐसा कॉम्पिटिशन नहीं है। फिल्म बनाऊं कि जब मेरे दोस्त मेरे मित्र मेरे भाई लोग देखें तो उनको भी लगे मुझे इससे बेहतर करना है, तो इसमें हम लोग कॉम्पिटिशन रखते हैं कि भाई हम बेहतर बनाएं, आप बेहतर बनाओ, आपसे बेहतर हम बनाएं, बस यहीं तक हमारा कॉम्पिटिशन होता है, बाकी हम एकदम भाई हैं, कोई हमारे बीच में किसी प्रकार का दुराव नहीं। अमृता जी, आप में कुछ कॉम्पिटिशन रहता है एक्ट्रेस के बीच में, इतनी सारी एक्ट्रेस हो गई हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, बल्कि हम लोग तो सोशल साइट्स पर बहुत सारी जगह पे एक्टिव करते हैं, कीप टॉकिंग टू ईच अदर, ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं होता है, हम लोग सब बहुत अच्छे दोस्त हैं, और बस प्रॉब्लम ये है कि हमको समय नहीं मिल पाता एक दूसरे के साथ जेल करने को, तो इस वजह से हम मीडिया में ज़्यादा एक साथ दिखते नहीं हैं, बट हम सब एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से रहते हैं। दिनेश सर, आपने ये बात भी कही थी भोजपुरी फिल्म के अपने स्तर के बारे में बात की, आप क्या मानते हैं अभी का स्तर कितना अच्छा है, और आपने कितनी कोशिश की है, क्योंकि आप काफ़ी समय से जुड़े हैं इस फिल्म इंडस्ट्री से? लगातार कोशिश कर रहे हैं और आगे भी कोशिश करते रहेंगे, अच्छा चल रहा है, अच्छा हो रहा है, अभी बहुत अच्छा होने वाला है। आप क्या कहेंगे अमृता जी अभी के स्तर के बारे में, और कैसे सुधार हो सकता है? ये चीज़ हम लोग अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, और ऑडियंस भी अब चाहती है कि अच्छी और अच्छी फिल्में बने, तो और अच्छी फिल्में बन रही हैं, लोग देखने भी जा रहे हैं, और अभी तो ट्रेंड चेंज होना शुरू हुआ है, धीरे धीरे और आगे बढ़ेगा और बड़ा होगा।
एमए चल रहा है कौन है कौन बोला अरे पांडे का बोल बोलने नहीं कल अंकल जितने भी मेरे से बड़े हैं मेरे बड़े भैया जिनको इतना दिल मानता हूँ मैं जब बिहार में था तो मेरे पिता थे जिनका पैर छू जाता था और जिनको देखकर मैं इस इंडस्ट्री में कुछ करने का भाई मेरे बड़े भैया दिनेश लाल यादव जिनको मैं देखकर बड़ा हुआ हूँ इस लाइन पे तो मैं मेरे भैया के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए और जितने भी सम्मानित लोग हैं सबको मैं छोड़ प्रणाम कर रहा हूँ कि कहीं ना कहीं आप सबका आशीर्वाद ही हमको यहाँ तक इस स्टेज पे कुछ कहने की क्षमता अगर और ताकत दिया है तो आप सबका प्यार और आशीर्वाद और ये मेरे मुकद्दर में थी वो मुकद्दर फिल्म जो कि हमारे वसीम भाई सलीम भाई इस फिल्म से जितने भी लोग हैं दिल से धन्यवाद देता हूँ ताकि अगर ये लोग नहीं चाहते तो शायद एक अच्छी मूवी नहीं बन पाती और अच्छी ये तब होगी जब आप सबकी दुआएं लगेंगी हम अच्छी मूवी बनाते हैं लेकिन आप सबकी जब दुआएं लगती है तो वो सुपर हिट होती है तो मैं चाहूंगा कि इस मूवी के लिए जरूर मेरे मुकद्दर के लिए आप लोग जरूर एक बार दुआ करिएगा।